नमस्कार स्वागत है आप सभी का एन द्वारा प्रसारित इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन में ये बच्चों के लिए यानी कक्षा नौ के बच्चों के लिए सोशल साइंस का विषय है वन्य समाज और उपनिवेशवाद ये आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया विषय है और कक्षा नौ के बच्चों को जब ये विषय बताया जा रहा है तो यकीन आप इस चैप्टर में बहुत कुछ नया खोज रहे होंगे उस नए को खोजिए अपने प्रश्नों को संजोएँ और हमें भेजें आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर नौ पर और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एन सी ई आर टी पी एम ई विद्या क्लास नौ पर इस माध्यम से आप हमें देख रहे हैं तो आप लाइव चैट बॉक्स ऑप्शन में लिखकर अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं मैं सृजन राजपूत हूं और आज के इस सत्र में आपके साथ बनी रहूंगी और आपके प्रश्नों को सत्र में शामिल करने के लिए अपनी भूमिका निभाऊंगी आप हमें देख रहे हैं नाइन चैनल पर यानी ई विद्या चैनल नंबर नौ पर और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से तो आप यकीन आज के सत्र में बहुत कुछ नया सीखेंगे क्योंकि हम जब इस विषय को सुनते हैं यानी वन्य समाज और उपनिवेशवाद जैसे, जैसे जैसे जंगलों को कम होना शुरू हुआ यानी इंसानों ने अपने बढ़ते जगहों को देखते हुए वनों की तरफ रुख कर लिया और वनों को काटना शुरू करा तो ये उपनिवेशवाद बढ़ता गया और कैसे इसकी स्थापना हुई इसके क्या क्या नकारात्मक जो प्रभाव हमें देखने को मिले और कैसे ये जो है अपने आप को स्थापित करता है ये पूरी विषय जो है आज हमें जानने को मिलेगा आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर के जरिए भी ये लाइव कनेक्टेड वायर है और नंबर है एट या फिर आप हमें मेल लिख सकते हैं ऑन डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट द रेट सियाई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर आप सभी को लेकर चलती हूँ अपने आज के अतिथि के पास हमारे साथ हैं सर डॉक्टर साईनाथ कवाड़े जी सर नमस्कार हार्दिक अभिनंदन सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डी ई एस एस एन सी आर टी विभाग से तो so, सर जब हम इस विषय को सुनते हैं तो वाकई बेहद बेहद विषय है वन्य समाज और उपनिवेशवाद जैसे हम एक समाज का हिस्सा है वैसे वन्य समाज भी हमारा हिस्सा है ऐसे में कैसे हम इंसानों ने ही कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के चलते वन्य समाज को जो है डिस्टर्ब किया है और अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर दिया है तो इस विषय पर पहले आपसे जानते हैं कि कक्षा नौ के बच्चों को हम क्यों पढ़ा रहे हैं ये विषय यस थैंक यू आज की इस सत्र में हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा नौ विषय है uh, इतिहास और इसमें जो पाठ है वन्य समाज और उपनिवेशवाद इसके बारे में हम यहाँ आज जानेंगे और इस पाठ में जो भी उपघटक है उसके बारे में भी हम जानेंगे आज हम देखते हैं कि वर्तमान में हम अलग अलग विषयों पे चर्चा करते हैं जैसे कि हम शहरों के बारे में उद्योग के बारे में कारखानों के बारे में प्रदूषण के बारे में ऐसे अलग अलग विषयों पे हम चर्चा करते हैं उसके साथ आज हमने ये भी स्वीकार कर लिया है कि हम वनवास वनवासियों के बारे में चरवाहों के बारे में भी जानना चाहिए उनका जीवन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है उनकी संस्कृति की विशेषता हमने जानना शुरू कर दी है इसी के संलग्न इस पाठ में बहुत सारी चर्चाएँ हुई है हम इस पाठ को जब जानना शुरू करते हैं तब हमें दिखाई देता है कि जो वन्य जीवन है वन्य समाज है वनवासी है उनकी संस्कृति बहुत विशेषपूर्ण है उनका दिन क्रम बहुत अलग है और उन्होंने अपने इस संस्कृति को इस जीवन को आ, उनके साथ साथ उन उन्होंने जंगलों का संरक्षण भी किया जंगलों का आ, जो क्रम है उसमें कुछ कहीं भी उन्होंने समस्याएं अड़चने कहीं पैदा नहीं की इस विशेषता के कारण उनकी संस्कृति हमें जानना आवश्यक है और हम जब इस पाठ को जानना शुरू करते हैं तब हम हमें सबसे प्रथम ये जानना जरूरी है कि इस पाठ में जो उपघटक जो दिए हैं वो क्या है उसके बाद हम इस उपघटकों को और अच्छे से जान जान सकेंगे जो कि है वन्य समाज और उपनिवेशवाद जो ये पाठ है उसमें वनों का विनाश क्यों जमीन की बेहतरी पटरी पर स्लीपर और बागान इस उपघटों के, के साथ उन्होंने इस चर्चा का आरंभ किया है और उन्होंने वन और वनों का विनाश जो होने लगा उसके बारे में चर्चा यहाँ पे उन्होंने किया है वन वनिकी की शुरुआत के बारे में यहाँ चर्चा हुई है लोगों का जीवन इससे कैसे प्रभावित हुआ वनों के नियमन से खेती कैसी प्रभावित हुई शिकार की आज़ादी किसे थी नए व्यापार नए रोजगार और नए सेवाएं इस उपघटकों के आधार पर उन्होंने वनों और वन के जीव संबंधित जो अलग अलग जो दृष्टिकोण थे उसके बारे में यह चर्चा हुई है उसके साथ वन नियम या कुछ ऐसे आ, कानूनों के कारण जो वन विद्रोह हुए जैसे कि बस्तर बस्तर के लोग और लोगों में जो भय था उसके बारे में भी यहाँ चर्चा इस उपघटक के आधार पर वहाँ की गई है जावा के जंगलों में हुए बदलाव इसके बारे में यहाँ चर्चा हुई है जावा के लकड़हारे उच्च वैज्ञानिक वनिकी सामिन की चुनौती युद्ध और वन विनाश और वनिकी में नए बदलाव इस उपघटकों के आधार पर भी यहाँ कुछ वन के संबंधित संलग्नित विषयों पर चर्चा की गई है तो सर ये तो हमने जान लिया कि इस पार्ट में आज हम क्या क्या जानने वाले हैं लेकिन जैसे कि पहला प्रश्न था कि वनों का विनाश क्यों आखिर क्यों इंसानों ने या किन घटकों के चलते जो है वनों का विकास विनाश होना शुरू हुआ इस पर आपसे जानकारी चाहेंगे वनों का महत्व हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है ही लेकिन जब हम और कुछ वनों के बारे में जब जानते हैं तब हमें कुछ और जानकारी प्राप्त होती है जैसे कि हम हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो जब हम देखेंगे कि हमारे आसपास कितने सारे बहुत चीजें हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं जो कि उसका स्रोत है जंगल या वन तो इस उपयोगिता को जानते हुए मानवों ने फिर अपनी महत्वाकांक्षा आगे बढ़ाई उसका विस्तार हुआ और वो अधिकतम जंगलों और वनों का उपयोग करने लगा यह महत्वाकांक्षा जंगलों पे भारी पड़ने लगी जंगलों के नुकसान के लिए कारण कारण बनी उसके साथ जो मानव की जो लोकसंख्या में बढ़ोतरी हुई उसके कारण खाद्य उत्पाद के भी जो आवश्यकताएँ थी उसे पूरे करने के लिए जमीन की बेहतरी आवश्यक थी अधिक खेतों की विस्तार की आवश्यकता थी इसीलिए जंगलों पे इसका हमें थोड़ा सा परिणाम हुआ दिखाई देता है और जंगलों को काटा गया खेती करने के लिए ज़मीनों के लिए और इसके कारण वन्य पे एक कुछ आ, आ, नकारात्मक परिणाम आ, 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 बढ़ने लगा उसके साथ औपनिवेशिकता ये भी कारण है हम देखते हैं कि आ, अलग अलग राज्य साम्राज्य भारत में हो चुके हैं उसमें ब्रिटिश का भी हमने इतिहास पढ़ा है कि उनके औपनिवेशिक निवेशिक दृष्टिकोण से जंगलों पे बहुत सा बड़ा परिणाम हुआ उन्होंने यहाँ का जो जंगल है वो जंगल की जमीन उन उस पर उन्होंने एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण रखा व्यवसायी की दृष्टिकोण रखा उसकी उपयोगिता अधिकतम हम अपने खुद के साम्राज्य विस्तार के लिए कैसे कर सकते हैं ऐसा दृष्टिकोण रखा इस कारण उन्होंने बड़ी मात्रा में जंगलों को काटा वहाँ के पेड़ों को काटा और जंगलों का विस्तार कम कर दिया उसके बाद जो व्यापार औपनिवेशिक व्यापार था उसके लिए रेल की आवश्यकता थी हम देखते हैं कि भारत में बहुत बड़ा एक रेल का बहुत बड़ा नेटवर्क है।, है जाल है तो हम जब उसका पुराने जो रेल की पटरियाँ जब हमें देखने को मिलती है तब तो हम देखते हैं कि उस पटरियों को जो स्लीपर लगा है जो कि पटरी ना हिले उस स्लीपर को लकड़ी से बनाया दिखाई देता है और उसकी साइज हम लंबाई चौड़ाई जब देखते हैं तो हम दस फीट से भी ज़्यादा वो स्लीपर हमें दिखाई देता है मतलब हमें आ, ये समझ आता है कि उस काल में कितनी बड़ी मात्रा में इसके लिए पेड़ काटे गए होंगे और इसी कारण एक जंगलों का विनाश होने के लिए ये कारण बना और जहाँ रेल की ये पटरियाँ उसका विस्तार बढ़ा वहाँ के जंगलों को बहुत मा, बड़ी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ा उसके बाद शिकार शिकार भी एक जंगलों के नुकसान के लिए कारण बना ब्रिटिशों के शौक या राज्य करने वाले जो भी राजा थे उनके भी शोक इसके लिए कारणीभूत रहे उसके साथ साथ जो इनाम के लालच में भी बहुत आ, बड़े पैमाने पे बड़े प, संख्या में प्राणियों की आ, जो हिंसा प्राणी थे उनकी यहाँ शिकार कर, कराया गया शौर्य के एक, एक गलत समझ के कारण भी शौर्य बड़े संख्या में शेर का शिकार करना ये शौर्य समझा जा, जाता था और हम देखते हैं कि ब्रिटिशों के बहुत सारे उदाहरण हैं जैसे कि जॉर्ज यूल उन्होंने 400 से ज़्यादा शेर उन्होंने शेरों का शिकार उन्होंने किया था मतलब ये सारे जो कारण थे वो जंगल के विनाश के लिए साहिभूत रहे और धीरे धीरे हम देखते हैं कि जंगलों पर इसका बहुत बड़ा परिणाम हुआ और जंगलों के विनाश के लिए कारण बना और खेती के लिए भी हम देखते हैं कि जंगोल जंगल और जंगल की जमीन लेने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा गया वहाँ की जमीन खेतों में रूपांतरित की गई और ये सभी कारण हम वन्य के नुकसान के लिए और विनाश के लिए कारणीभूत हुई ऐसा हम मान सकते हैं जी सर ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि खेती भी एक बहुत बड़ी वजह रही अब चाहे तो उसे उपनिवेशवाद के तौर पर हम देखें या फिर अपनी अधिक जरूरतों हमारी बढ़ती जरूरतों के कारण खेती का विस्तार और ऐसे में झूम खेती का हम लोग अक्सर जिक्र सुनते हैं वो भी जानना चाहेंगे बच्चों के लिए कि yes. ये क्या है हाँ। तो खेती हम जानते हैं क्योंकि भारत एक खेती या कृषि प्रधान देश रहा है आज भी है लेकिन हम जब वनवासियों की संस्कृति जानते हैं जानना शुरू कर देते हैं तब हमें कुछ खेती के अलग अलग प्रकार या कुछ नए दृष्टिकोण हमें पता चलते हैं जैसे कि झूम खेती झूम खेती क्या है तो झूम खेती एक घुमंतु खेती भी नाम से यहाँ हम जान सकते हैं उसका घुमंतु खेती से भी एक उसकी पहचान बनी है झूम खेती एक ऐसी खेती थी जो कि वनवासी उसके आधार पर अपना उदर निर्वाह करते थे अपना जीवन व्यतीत करते थे झूम खेती में पर्यावरण का बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता था जहाँ जंगल में झूम खेती करते थे वहाँ के पेड़ के जो ऊपरी भाग था वो काटा जाता था जिससे सूर्यों की किरण जमीन पे आ सके और जो खेती हो रही थी उसको वो सहायभूत रहे लेकिन कहीं भी पेड़ पूरी तरह से काटा नहीं जाता था पेड़ों के ऊपरी सतह का भाग ही काटा जाता था और वहाँ पे बड़ी मात्रा में एक भूमि निश्चित की जाती थी और वहाँ पे वो खेती होती थी एक दो साल के बाद यहाँ से ये वनवासी फिर अलग जगह जाकर वो नई खेती करते थे और वहाँ की खेती को वो छोड़ते थे क्योंकि वो फिर से वहाँ पे वन बन जाए या जंगल बढ़ सके फिर नए जगह जाकर वो फिर वही जो चक्र था जहाँ का जो जंगलों में आने वाली जो वनस्पतियाँ थी जो पेड़ पौधे थे उनको काटते थे लेकिन वहाँ के वन को जंगल को कहीं भी नुकसान ना पहुँचे इस आ, इसको ध्यान में रखते हुए ये सारा प्रयास करते थे और वहाँ पे फिर वो खेती करते थे और फिर एक दो साल के बाद वो वहाँ की जमीन छोड़कर आगे बढ़ते थे इसीलिए इसको घुमंतु खेती भी कहा जाने लगा जी सर ऐसे में आपने कहा कि वनवासी लोग हुआ करते थे जो कि इस तरह की खेती में इन्वॉल्व रहा करते थे तो आगे चलकर जब हम देखते हैं कि वन विद्रोह होने शुरू हुए तो ये वन विद्रोह क्या है इस पर भी आपसे प्रकाश चाहेंगे हाँ तो ये पाठ में भी हम हमें चर्चा ये मिलती है कि वन विद्रोह क्या है एक तो विद्रोह हमें जब समझ आता है विद्रोह मतलब क्या विरोध करना तो ये वनवासियों ने क्यों विद्रोह किया और किसको विरोध किया हम देखते हैं कि जो उपनिवेशवाद था या मानव की महत्वाकांक्षाएं जब बढ़ने लगी तब ये इसका परिणाम वनों पे होने लगा वनों पे परिणाम मतलब वनवासियों के जीवन चक्र में एक बाधा थी और उन्होंने ये बाधा को जो कारण है जैसे कि उपनिवेशवाद ब्रिटिशों के जो भी आ, जो नए आने वाले का कानून थे तो इस सबको उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया जैसे कि हम देखते हैं संतालों का उठाव तो इतिहास में सुप्रसिद्ध है बिरसा मुंडा का विद्रोह हमें मालूम है यहाँ बस्तर का भी विरोध या विद्रोह का उदाहरण इस पाठ में दिया गया है उन्होंने अपने जो संस्कृति थी उनका जो दैनंदिन चक्र था उसमें जो बाधा देने वाले जो कानून थे उसको विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि उपनिवेशवाद ने क्या किया था कि एक निश्चित जो भी व्यवसायिक बोल सकते हैं हम उसी पेड़ों को वहाँ पे उगाने का प्रयास शुरू कर दिया था वो कानून बनाए थे जैसे कि आ, ब्रिटिशों के लिए जो ज्यादा उत्पाद देते हैं ज्यादा फायदेमंद है, है मुनाफा देते हैं वैसे वृक उसी वृक्ष को वहाँ पे बढ़ाने के लिए प्रयास उन्होंने कर दिया था वैसे खेती के, के तौर पे नील की खेती नील की खेती का, का उदाहरण अच्छा हम दे सकते हैं यहाँ तो उन्होंने अपने व्यवसायिक दृष्टि से वहाँ पे कुछ आ, कानून बनाए और इस कानून का परिणाम वहाँ के वनवासियों पर हुआ उनके दैनंदिन जो संस्कृति थी उसमें ये बहुत बढ़िया बड़ी समस्या कर रही थी इसके लिए उन्होंने विरोध यहाँ पे करना शुरू कर दिया था तो फिर सर जैसे जब ये प्रचलन आने लगा तो हम देखते हैं कि वनों पर आधारित व्यवसाय होने लगी yes. यानी व्यवसाय जो है व्यवसायिक वाणी की होने लगी yeah. ये क्या है व्यवसायिक वाणी की मतलब ऐसा है कि जो वनों में एक निसर्गता जो चक्र है और वहाँ के भूगोल के आधार पर पर्यावरण के आधार पर अपने आप ही कुछ अल, अलग अलग पर प्रजातियाँ वनों में पैदा होती है उनका विकास विस्तार बनता है लेकिन मानव ने अपने फायदे के लिए अपने नफ मुनाफे के लिए जैसे कि उपनिवेशवाद में भी आ, जो मुनाफा था तो उसी के लिए एक विशेष रूप की जो वृक्ष है पेड़ है उसका पैदावार उन्होंने वहाँ पे करना शुरू कर दिया जो कि उस भूगोल के विरोध में था भौगोलिक विशेषताएं के विरोध में था पर्यावरण में भी उसके बहुत सारे परिणाम दुष्परिणाम हो रहे थे इस आधार पे उन्होंने एक व्यवसायिक दृष्टिकोण से जंगल बढ़ाना शुरू कर दिया था हम इस पाठ में बहुत सारे उन्होंने फोटो चित्र दिए हैं कि एक श्रृंखला में उन्होंने कुछ वृक्ष लगाए हुए चित्र दिखाया है कि जैसे कि मानो ये पटरी का उदाहरण दिया पटरी में जो स्लीपर्स लगाए जाते थे लकड़ी के तो उसके उपयोगिता के लिए जो पेड़ सहायभूत है वैसे ही पेड़ लगाना ये व्यवसायिक दृष्टिकोण से लगाए हुए पेड़ है जैसे खेती भी करते हैं कि विशिष्ट आ, कुछ, आ, कुछ आ, साग के है नीलगिरी के है अलग अलग हम देखते आ, उसके एक व्यवसायिक दृष्टि उसमें मुनाफा मिले हमें कुछ फ़ायदा मिले इस दृष्टिकोण से किया गया ये व्यवसाय वन की व्यवसाय इसे हम मान सकते हैं जान सकते हैं। बिल्कुल सर हम देख रहे हैं कि अत्यधिक गर्मी का मौसम है हम वनों में देखते हैं कि आग लगने की ये जो घटनाएं हैं ये बहुत जल्दी जल्दी सुनने में मिलती है खासकर जब हम देखते हैं उत्तराखंड के वनों में आग लगने की बात भी सुनने में आती है कभी कभी तो वजह प्राकृतिक होती हैं लेकिन कभी कभी इंटेंशनली आप प्राकृतिक तौर पर भी ऐसे कदम उठाए जाते हैं ऐसे में आप हमारे सभी व्यूअर्स को और हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे हम ऐसी बहुत सारी घटनाएं आज सुनते हैं वृत्त पत्रिका में ये पढ़ने को मिलता है ये बहुत दुखद घटनाएं है हमारे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा क्योंकि हमारे आसपास के जो भी वन है ये हमारी सुरक्षा के लिए है हमारा जीवन पूरा तरह से निर्भर है वृक्षों के आधार पर जंगलों के वन्य के आधार पर हम जो सांस लेते हैं वो भी जो ऑक्सीजन है हम हमें कहाँ से मिलता है तो इसका हम गंभीरता से इसका विचार हम हमें आज करने की ज़रूरत है विकास मतलब क्या आधुनिकता मतलब क्या इसकी व्याख्याएं हमें फिर से आ, हमें देखना होगा कि कुछ नुकसान कर कर विकास नहीं हो सकता हम आधुनिक बन नहीं सकते तो ये जो घटनाएं है क्यों हो रही है ये घटना निसर्गता हो रही है या जानबूझकर हो रही है इसके लिए बहुत अच्छी का, कानूनों को बनाया जाना आवश्यक है और ऐसी घटनाएं जब आ, आती है समस्या आती है तो उसके लिए क्या हमें इस पर कर सकते हैं कि कौन सी व्यवस्था ऐसी कर सकते हैं कि जिससे जलद गति से हम उस पर नियंत्रण पा सके इस ऐसी कुछ ठोस हमें उपाय उनका पे पर्याय देना आवश्यक रहेगा जी बिल्कुल सर बहुत ही क्रिएटिव स्टूडेंट्स और व्यूअर्स हमारे साथ हैं और ऐसे में आज इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आज इतना महत्वपूर्ण तो विषय पर हमने चर्चा की है तो चाहेंगे कि बच्चों को कोई क्रियाकलाप या एक्टिविटी के तौर पर भी आज आप एक काम सौंपें हाँ तो आ, हम आज के इस सत्र में ये क्रियाकलाप या एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा कर सकते हैं दे हम टास्क ले सकते हैं कि हम हमारे नज़दीकी जो भी वन्य क्षेत्र है वन्य जंगल है तो उसके बारे में जाने उसके साथ साथ वनवासियों के बारे में भी जाने भारत के वनवासी कौन थे वनवासी संस्कृति क्या है उसके साथ साथ विश्व के भी वनवासी क्षेत्र और वनवासी संस्कृति के बारे में जान सकते हैं हम और वन विद्रोह के बारे में भी जान सकते हैं कहाँ कहाँ वन विद्रोह हुए जैसे कि हम देखते हैं कि आज भी वन्य समाज हम जल नहीं देंगे जमीन नहीं देंगे जंगल नहीं देंगे इस घोषणा से विरोध करते हैं तो ये क्यों विरोध कर रहे हैं इसके बारे में हम जान सकते हैं वृत्त के आधार पर जान सकते बहुत सारे सोर्सेस है इसके आधार पर हम जान सकते हैं कि ये क्या है और Uh, आपको ये uh, शैक्षिक uh, सहयोग भी इससे uh, प्राप्त हो सकेगा जी सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और बहुत ही uh, uh, ऐसा सत्र रहा जिसमें कि हमने सकारात्मक चीज़ों पर बात की वहीं कई अहम मुद्दे आपके पाठ्य पुस्तक से विषय और आपने कितनी जानकारी आज प्राप्त की और सर ने आपको जो एक क्रियाकलाप दिया है उसे भी आप हम तक जरूर पहुँचाएँ ये सभी जानकारी लगातार आप स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख रहे हैं धन्यवाद करना चाहेंगे सर डॉक्टर साईनाथ जी का जो कि एन के डी विभाग से हमारे साथ हैं सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगी और आपसे कहना भी चाहूँगी कि हम विकास तो कर रहे हैं हम महत्वाकांक्षी तो भी हैं और इसमें कोई गलत नहीं है लेकिन किन कीमतों पर हमारी ये इच्छाएँ पूरी हो रही हैं इस पर विचार करने की आवश्यकता ज़रूर है हम कक्षा नौ के बच्चों के लिए आज विषय पढ़ रहे थे वन्य समाज और उपनिवेशवाद आप अपनी सोच हम तक ज़रूर पहुँचाएँ और हम कुछ ही मिनटों में आपके लिए ई टी एन आई सी टी उपकरणों की श्रृंखला में आज एक नया उपकरण नया टूल लेकर आएंगे जो कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को और सरल बनाने में काम करेगा तो आप सभी हमारे अगले सत्र से जरूर जुड़ेंगे ये सी आई टी एन सी आर टी द्वारा लाइव प्रस्तुत किया जाएगा और एक अनुरोध और आम चुनाव 2024 में अपना कीमती मतदान दें अपनी जिम्मेदारी और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें मैं सृजन राजपूत आप सभी से चाहूँगी अनुमति नमस्कार